आज तुम्हें एक वाकई से रूबरू कराते हैं, साथ मिलकर समाज को नया आईना दिखाते हैं। एक घने गांव के तंगलियों के किनारे एक घर है जिसकी हालत उम्मीद से कहीं ज्यादा बदतर है। सूरज की पहली किरण घर में हूबहू रुक करती है जैसे बारिश की टपटपाती बूंदें छत की दीवारों से। बिना किवाड़ के वो सर्द हवाएं ठीक वैसे ही लगती हैं जैसे सांझ की शीतल पवन नदियों के किनारों से। उस घर के कोने में बिछी चारपाई जिस पर लेटा शख्स, जिसके चेहरे पर हल्की बुदबुदाती धूप और भिनभिनाती मक्खियां व्यक्त करती हैं उसका असमर्थ प्रयास उन्हें हटाने की, ठीक वैसे ही जैसे पिछले कई वर्षों से की है एक कोशिश उस एक तलब को मिटाने की। जी हाँ, वही तलब जिससे उसके फेफड़ों के हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है, जैसे वो हालत उसके घरों के छतों के दीवारों की धुएं के सोखने से फेफड़ों में बने छल्ले और उनसे रिश्ती सांसें कभी महसूस कराते थे उसे जिंदगी सितारों की। आज उसका कोई मोल नहीं, शायद शर्मिंदा हो इस बात पर। कभी लगती थी उसकी पसीनों की भी कीमत, आज मानो वक्त भी हंस रहा हो उसके हालात पर। उसके घर में अभी भी उम्मीद की किरण है, मुझे मालूम नहीं सत्या उसकी माँ, पत्नी या बहन है, जो हर सुबह निकलती है काम पर दो वक्त खाने के लिए और बिकती है बाजारों में हर शाम अपना घर चलाने के लिए। कभी इस गली, कभी उस गली, कभी शहर, कभी उस शहर, कभी इस डगर, कभी उस डगर, बिकता है तो उसका वक्त। उन वक्तों में खुद की सांसों को घोट कर जिंदा रखती है उसकी सांसें, जिसके पीछे पड़ी मौत अगर के दहलीज पर घर में घुस सकती है वक्त बेवक्त। कभी 100, कभी 200, तो कभी कभी 500 तक मिल जाता है। आज कितने में बिकेगी उसकी इज्जत, ये तय करती है उसकी मजबूरी और ग्राहक की जरूरत। आज शायद जल्दी थी वक्त को गुजर जाने में या रात को ढल जाने में। आज शायद जल्दी थी वक्त को गुजर जाने में या रात को ढल जाने में। वक्त यूं गुजर रहा था जैसे मुट्ठी से फिसलती रेत, पर वो आई ना किसी भी सूरत में। आज इस वाकये को हो गए हैं पूरे 2 दिन, शायद उस दिन वो बिक गई थी जरूरत से ज्यादा कीमत में। शायद आज वो भी शर्मिंदा हो अपने हालात पर। पर किस बात की शर्मिंदगी, हर चीज तो, हर सब कुछ तो बिकता है यहाँ। दोपहर में पसीनों की भी तो कीमत होती है ना, और बाद में उनका मोल भाव भी तो करते हो। फिर किस बात की शर्मिंदगी, गाड़ी के पीछे भागते हुए बच्चे, उनके हाथों में कुछ खिलौने और ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों के तले उनका बचपन भी तो बिकता है ना। कोठों पर सुई की आवाज तय करती है ना कीमत, और वो लोग जिन्हें खुदा का दिया हुआ अभिशाप बोलते हो, कतराते हो बातें करने से, खुशियों में उनके तालियों की भी कीमत तो होती है ना। अरे ये सब छोड़ो, शमशान घर में चंद पैसों के लिए मुर्दे भी बिक जाते हैं, और वो लोग जिन्हें देश का मसीहा बोलते हो अगर वो दस्तूर, तो उनके हाथों मजहब भी तो बिक जाता है ना। हर चीज की तो कीमत लगती है ना यहाँ। फिर किस बात की शर्मिंदगी, अगर थोड़ा गौर फरमाओ तो वो जर्जर शरीर आपको हूबहू जोड़ता है आपके बदतर हालातों से, और वो सत्या आपका धर्म, ईमान और मजहब कुछ भी हो सकता है, जो हर रोज बिकता है बाजारों में सिर्फ आपकी जरूरत के हिसाब से, और एक दिन लग जाता है जरूरत से ज्यादा कीमत और बिक जाती है आपकी जमीर भी, फिर आप क्यों शर्मिंदा हो, सब कुछ तो बिकता है। थैंक यू।